हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो हम करेंगे बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जो एग्जाम हुआ था इस साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो पेपर था इसमें 2 घंटे का पेपर था। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 35 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग के हो गए, और जो 15 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हो गए। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का जो लेवल था इसमें काफी आसान था, क्योंकि इसमें इसीलिए कट ऑफ ही बहुत ज्यादा गया है। सिर्फ एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो काफी होने वाले थे, क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 3:1, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इज 147, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल है, रेशियो है तो 3:1 है। तो सपोज करो फादर की जो एज है, फादर की एज ले लेते हैं 3x, सन की एज होगी x, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3x इनटू x जो है 147, तो 3x² इज इक्वल टू 147, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 49, x आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब फादर की एज कितनी होगी, 21, सन की होगी 7, और टोटल दोनों का सम पूछा है तो होगा 28। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इफ रुपीस 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए स्कीम वेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड एट 2%, 5% एंड 10%। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा, 10,000। ठीक है, अब सपोज करो एक साल में कंपाउंड हो गया कितना बनेगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 डिवाइडेड बाय 100 पावर 1, क्योंकि एक ही साल है। एक साल बाद कंपाउंड हो गया इतना बन गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब स्टार्टिंग सेकंड ईयर होगा उसके लिए यही अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा, तो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगेगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर के एंड तक कंपाउंड होके इतना अमाउंट बन जाएगा, और फिर थर्ड ईयर में कितना है, 1 प्लस 10 बाय 1000, 100। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 10,000 × 1.02 × 1.05 × 1.1। ठीक है, तो ये अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये कैंसिल होके ये 102 × 105 × 1.1। ठीक है, और इसको 10 कर लो, ये 2, ये गया 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 11 21 21 231 × 6। ठीक है, 60 है 6, 6 3 है, कुछ गलती की है क्या, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 102 था ना, तो 102 था तो 51। ठीक है, और 21 और 51, 21 × 5 10 1 7 0 1 × 11 1071 1071। ठीक है, 1 8 7 1 1। ठीक है, यार ठीक है, कैलकुलेटर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टावर इज 100 मीटर हाई, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप When viewed from the point 100√3 meter away from its foot from the level ground। ठीक है, एक हमारा टावर है कोई, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो है 100 मीटर, तो हम ग्राउंड से देख रहे हैं किसी पॉइंट पे जो कि है इससे 100√3 डिस्टेंस, तो ये क्या एंगल बनाएगा इसके टॉप पे। ठीक है, ये वाला एंगल, तो टेन टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट अपॉन बेस, तो 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30, टेन 30 होता है ना, 1/√3, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशो बी इज 2:3, बी रेशो सी इज 4:5,
देन फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसमें क्या करो, देखो इन दोनों रेशियो में बी कॉमन है, ठीक है, बट यहाँ पे बी थ्री है, यहाँ पे फोर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर ए रेशियो सेम करना है कि दोनों में बी की वैल्यू सेम आ जाए ताकि हम ए रेशियो बी रेशियो सी बना सके, तो अगर थ्री यहाँ पे फोर, अगर मैं इन दोनों को फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए रेशियो बी जो होगा फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एट रेशियो ट्वेल्व है ना, एट बाई ट्वेल्व भी हो सकता है, और उसी तरह बी रेशियो थ्री सी, उसमें मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि ट्वेल्व रेशियो फिफ्टी, ठीक है। अब बी दोनों में इक्वल हो गया, अब मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी सी का जो रेशियो है वो है एट ट्वेल्व और फिफ्टीन, ठीक है। इसका मतलब ए जो है वो हो सकता है एट एक्स हो, बी होगा ट्वेल्व इंटू एक्स कोई कॉन्स्टेंट, एंड सी जो होगा फिफ्टीन एक्स। तो अब हमें पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी का रेशियो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 64x स्क्वायर, बी स्क्वायर आ जाएगा 12x स्क्वायर यानी कि 144x स्क्वायर, बी सी आ जाएगा 15x into 12x यानी कि 180x स्क्वायर, ठीक है। इसको कॉमन कट कर दो, x स्क्वायर कट हो जाएगा, और इसको हम कॉमन फैक्टर दो से भी कट रहा है, चार से कटेगा तो 16 और चार की 12 6 और 45, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, ये भी काफी आसान था। विच ऑफ द दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 52%, अब देखो ये तो बिल्कुल ही मतलब स्कूल लेवल का सवाल है, 52% मतलब 52/100, तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा ये, 13 चौक 52 25 × 4 100, ए ऑप्शन, ठीक है, ये तो सेकंड वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय कोन, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 572 देन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7, फाइंड द स्लैंट हाइट, ठीक है। तो देखो एक टॉय है वो इस शेप में है, तो एक हेमिस्फीयर यानी कि इस हिसाब से ऐसा, ठीक है, ऐसा मान लो, और इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन बना देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कौन बना हुआ है, इसकी हाइट ऐसा मान लो, है ना। तो अभी क्या है, ये बोल रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो तो है 572, देखो सरफेस एरिया क्या क्या आएगा, एक तो ये वाला सरफेस एरिया आ जाएगा इसका जो बोल है आधी बोल जैसा मान लो, ठीक है, और एक जो ये वाला सरफेस एरिया आ गया इसका, ठीक है, कौन का जो बाहर वाला, तो इन्होंने बोला है कि जो रेडियस है मतलब ये वाला रेडियस जो है वो तो है 7, और पूछा हमें है ये स्लैंटेड हाइट, ये तिरछी हाइट एल, ठीक है, ये चीज पूछी है। तो अब देखो जो हमारा जो हेमिस्फीयर है, टोटल जो स्फीयर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr², तो हाफ का हो जाएगा 2πr² प्लस, और जो हमारा जो कोन है उसका सिलेंटर मतलब जो साइड वाला एरिया ओनली ये वाला है ना, अगर कोन की बात करें, क्योंकि ये वाला एरिया तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो दोनों कवर है ये वाला एरिया, ठीक है, ओनली ये वाला एरिया आएगा टेढ़ा, ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल, तो ये है 572, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो सवाल है, हेमिस्फीयर का रेडियस हमें 7 दिया हुआ है, तो यहाँ और प्लस कुछ भी यहाँ पे ना पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब हम पाई को 22/7 एज्यूम कर सकते हैं ना, क्योंकि सवाल ही उस हिसाब से दिया हुआ है, तो 2 × 22/7 × r² 7 × 7 प्लस पाई को फिर 22/7, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे कि अगर 3.14 अगर यूज करना बैठ गए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, देखो ये सब कट रहा है, उन्होंने सवाल इस तरीके से दिया, तो ये आ जाएगा अगर मैं 22 को काट दूं इस हिसाब से, है ना, 7 कट गया ना, अगर मैं 22 को काट दूं 22 डिवाइड हो जाएगा 2 × 44 = 32 6 है ना 26, और ये आ जाएगा 7 × 2 = 14 प्लस L इज इक्वल टू 26, L आ जाएगा 12, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर 7% एंड 28% ऑफ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज फर्स्ट नंबर। देखो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें क्या करो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को 100 मान लो, बहुत इजी हो जाएगा। अगर थर्ड नंबर 100 है तो 100 का 28% सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 28, 7% क्या हो जाएगा, 7। अब बोले ना कि व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज, व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज फर्स्ट नंबर, मतलब सेकंड नंबर का कितना परसेंट फर्स्ट नंबर, मतलब 7 जो है 28 का कितना परसेंट है, 7 128 इंटू 100 425। ठीक है, सम इन्होंने लिखा कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 87, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। ये बहुत सिंपल सवाल है, जब कभी भी ऐसा पूछो कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव या फाइव कंसेक्यूटिव, तो क्या करो, फर्स्ट नंबर को सपोज करो x माइनस वन, नेक्स्ट नंबर क्या होगा x, और उसके नेक्स्ट होगा x प्लस वन। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये क्या है 87, तो ये कैंसिल, 3x हो गया 87, तो x हो गया 29। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या था, x माइनस वन यानी कि 28, दूसरा था 29, थर्ड हो गया 30। तो लार्जेस्ट कौन सा है, 30। ठीक है, अब देखो ये भी काफी सीधे सीधे सवाल है, फाइंड x इफ x बाय 8 प्लस x बाय 12 इज इक्वल टू 5। या तो सीधा ऑप्शन से पुट करके देख लो, देखो 50 100 तो कट भी नहीं था, 48 डालोगे, 48 बाय 8 6 आ जाएगा, 48 बाय 12 4 आ गया, तो नहीं बन रहा, ओनली 24 बन रहा। ठीक है, 24 बाय 8 3, 24 बाय 12 2, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो सीधा ऑप्शन देखो खत्म करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन टेक्स 30 मिनट्स टू रो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, मतलब पानी के उल्टा, ठीक है, पानी के बहाव के उल्टा चलता है, 30 मिनट तक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है वो, विच इज 1.3 मोर देन द टाइम टेक्स ऑन हिज डाउनस्ट्रीम। मतलब अगर पानी के बहाव के उल्टा चलता है तो उसको 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट जो है 1/3 ज्यादा है अगर वो पानी के बहाव के साथ जाता है तब उसको कम टाइम लगता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, तो अब देखो अब ये पानी का बहाव इस साइड है, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम तो ये इस डायरेक्शन में उसके साथ ही जा रहा है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में 30 मिनट लगते हैं उसको 12 किलोमीटर के लिए, तो इस केस में स्पीड कितनी होगी, 12 किलोमीटर 30 मिनट के लिए, तो 12 ऑब्वियसली एक घंटे में कितना हो जाएगा 24, तो 24 किलोमीटर पर आर। ठीक है, और सपोज करो इसको ये 12 किलोमीटर है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम इसको 12 किलोमीटर सपोज आने के लिए टाइम लगता है एक्स। ठीक है, अब वही टाइम इसको लग रहा था 30 मिनट, तो जो 30 मिनट है वो 1/3 मोर है x के, मतलब x प्लस x का 1/3 वो है 30। ठीक है, मतलब 4/3 30, तो x जो हो गया 90/4, मतलब अप्रोक्सीमेट 22.5 मिनट, मतलब डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगता है 22.5 मिनट, इतने मिनट लगते हैं इसको। ठीक है, अब स्पीड निकाल लो इसकी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो उतना है 12 और टाइम लग रहा है इतना 90, और ये मिनट में है ना, इसको करना अपने को आवर में कराना, तो इंटू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 2 4 8 6 32, तो 32 किलोमीटर पर आ। ठीक है, ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा आएगी पानी के बहाव के साथ, और स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है, वो दोनों का एवरेज हो जाती है। ठीक है, तो स्टिल वाटर में स्पीड आ जाएगी 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 56 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज विलेज एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर रिटर्न टू विलेज एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड स्कूल. तो देखो अब सपोज करो जो डिस्टेंस है विलेज और स्कूल के बीच में वो है डी, ठीक है. अब उसको जाते हुए किस स्पीड से जा रहा है, वो जाते हुए जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर. तो जाते हुए उसको टाइम कितना लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो जाते हुए उसको टाइम लगा डी डिवाइडेड बाय सी, और आते हुए आ रहा वो स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से, तो आते हुए उसको टाइम लगा डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. और उसको टोटल आने जाने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे, यानी कि डी बाय 3 प्लस डी बाय 2 इज इक्वल टू 5. तो मतलब ये आ जाएगा 6, 2d प्लस 5d है ना, 5d इज इक्वल टू 5. तो d कितना आ जाएगा, 6. टोटल 6 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 30 डेज, वेयर एज पी क्यू आर टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 21 डेज, एंड इन हाउ मेनी डेज आर कैन अलोन कंप्लीट द टास्क. अब देखो, अब सपोज करो 3 लोग हैं, पी क्यू आर. पी 1 दिन में काम करता है, एक्स मान लो, चलो है ना, 1 दिन में एक्स काम करता है. क्यू 1 दिन में वाई अमाउंट काम करता है. आर जो है 1 दिन में जेड अमाउंट काम करता है, 1 डे, ठीक है, 1 दिन में, ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, पी और क्यू एक दोनों मिलके 1 दिन में एक्स प्लस वाई काम करेंगे, और इनटू 30 डेज ना, 30 डेज में जाके पूरा एक हमारा वन एक काम होगा, ठीक है, पी और क्यू मिलके करेंगे. अगर वही पी क्यू आर मिलके क्या करते हैं, 1 दिन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड काम करेंगे, ठीक है, इंटू 21, वो 21 दिन तक काम करेंगे, तब जाके हमारा एक काम कंप्लीट होगा, ठीक है. अब हमें फाइंड करना है कि आर अकेला कितने दिन में काम कितने दिनों में काम पूरा कर देगा. तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आर 1 दिन में कितना काम करता है, यानी कि जेड हमें फाइंड करना है. तो इस इक्वेशन से x प्लस वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/30. तो 1/30 यहां पे पुट कर दो, तो 1/30 प्लस z इक्वल टू 1, ठीक है. तो 20 उधर ले जाओ, 1/30 प्लस z इज इक्वल टू 1/21. z आ जाएगा 1/21 माइनस 1/30. तो इसको माइनस कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 210. 10 माइनस 7, 3/210, 1/70. तो मतलब R जो है 1 दिन में 1/17 काम करता है. तो उसको पूरा काम एक काम करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे, 70. मतलब 1 दिन में काम करता है 1/70, 70 दिनों में जाके करेगा एक काम पूरा, ठीक है. तो ऑप्शन बी, ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन जो है, जो हमने बोट वाला क्वेश्चन पहले किया उसका बिल्कुल एक उसका पार्ट हो गया. देखो, इन 1 आवर बोट गोज 15 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एंड 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. तो दोनों का एवरेज आ जाएगा बस इन 1 आवर की अपस्ट्रीम की मतलब बहाव के साथ जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर, बहाव के उल्टा 7 है, दोनों का एवरेज होगा 7 और 15 7 22 का बाय 2 11, ठीक है. सिंपलीफाई 4 sin² 60 + 4 sin² 30. देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन 60 होता है √3/2, तो 4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 4 sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो कितना आ जाएगा 3 + 1 = 4, ठीक है. अब देखो ये तो सीधा क्या है, डायरेक्ट हमें वैल्यूज पता है. अगर सपोज करो कुछ होता कि साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 41, उस केस में क्या करना होता है कि साइन को कोस में कन्वर्ट करना होता है, कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन
जैसे इस क्वेश्चन में अगर करें, हमें पता नहीं कि साइन 60 की क्या वैल्यू है, तो साइन 60 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30, और साइन 90 माइनस 30 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 30। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है कॉस 4 कॉस स्क्वायर 30 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30। तो 4 कॉमन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, अगर कुछ और एंगल हो जो हमें पता नहीं है, 58 59 कुछ ऐसी चीजें हो, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है ऑप्शन ए। मैंने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नॉन प्राइम। ठीक है, तो देखो 1 को नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट बोलते हैं, 2 प्राइम आ गया, 3 प्राइम आ गया, फर्स्ट हो गया 4 नॉन प्राइम, 4 5 फिर 6 फिर 8 फिर 9 10 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 16 के बाद 8। ठीक है, इस इनका एवरेज फाइंड करना, सबका सम कर दो डिवाइड बाय 10, 4 और 6 10 18 27 37 37 47 49 59 63 73 78 88 94 104 112। ठीक है, इन सब का सम आ गया 112 डिवाइड बाय 10 11/0.2। ठीक है, और सिंपलीफाई देखो, ये भी सिंपलीफाई करना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी बस। और प्लस ये भी है, कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर भी दोगे उसमें भी काफी कम चांस होता है कि आप गलत ऑप्शन बन जाए आपका, या तो हो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा तो अपने को पता चल जाएगा कि आपने मिस्टेक की है। ठीक है, फिर भी देखो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 20 मतलब 4 क्या करते हैं, हम इसको करते हैं 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 20 यानी कि 3 10, तो ये आ जाएगा 43 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये आ जाएगा 43 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 43 बाय 10 है, इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाय 43 बाय 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो उल्टा हो जाएगा 10 बाय 43, तो ये बन जाएगा 40 बाय 43। ठीक है, तो ये पूरा बन गया हमारा 40 बाय 43। ठीक है, 11 माइनस 5 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 40 बाय 43 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 43 बाय 40। ठीक है, इसको भी 3 ये 20 ये हो जाएगा 9 129 बाय 20। ठीक है, अब ये पूरा बन गया 129 बाय 20, 7 डिवाइडेड बाय 129 बाय 20 यानी कि 7 इंटू 20 बाय 129, तो 140 डिवाइडेड बाय 129। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है। ठीक है, बस डिवाइड पहले करना है फिर आगे करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट ए प्राइस सो दैट ही कैन ऑफर ए 12% डिस्काउंट फॉर ए कैश पेमेंट एंड येट मेक 25% प्रॉफिट। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 140। अब देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 140। ठीक है, अब मार्किंग प्राइस क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट पे हमने लिख दिया कि ये प्राइस इतना है। ठीक है, ये 100 रुपए की चीज है, अब जो कस्टमर होगा वो करेगा मेरे को नहीं डिस्काउंट दो, तो अपना जो कोई भी शॉपकीपर है वो क्या बोलेगा कि मैं 100 रुपीज पे इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इतना आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना दे, तो जितना वो प्राइस देता है, सपोज करो 100 मार्क प्राइस था, 10% डिस्काउंट दिया, 90 रुपए उसने दिए, तो 90 होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब ये चाहता है कि मैं इतना मार्क प्राइस रखूं, कितना मार्क प्राइस हम रखें कि उस पे हम अगर 12.5% डिस्काउंट दे दें तब भी उसको 25% प्रॉफिट हो। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इस पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 25% होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का। तो इसका मतलब 140 का 25%, तो ये हो जाएगा 35, उसको 35 रुपीस प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 175।
ठीक है, मतलब उसको 175 का तो बेचना ही है डिस्काउंट देने के बाद भी। अब मार्किंग प्राइस को डिसाइड करना है कि मैं कितना मार्किंग प्राइस, ठीक है, सपोज करो x था, अब उसको क्या करना है, x पे डिस्काउंट देना है 12%, मतलब x माइनस 12% ऑफ, 12.5% ऑफ x, तो सेलिंग प्राइस 175, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, कस्टमर को कभी भी ये थोड़ी पता होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, उसको तो मार्क प्राइस पता है, उसको इस पे ही डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, इस पे डिस्काउंट करके फिर सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 80 x माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू x इज इक्वल टू 175, तो ये बेसिकली आ जाएगा 87.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू x 175, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 175 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 87.5, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा, तो 200, ठीक है, तो 200 आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसको वो जो कॉस्ट तो 140 है, उसने मार्क प्राइस रखा 200, उसको पता है कि लोग आके बोलेंगे कि डिस्काउंट दो, ठीक है, तो 200 पे बोल देगा कि मैं 12.5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो 200 का 12.5% हो गया 25, तो सेलिंग प्राइस आ गया 75, ठीक है। बट ये से 35 फिर भी ज्यादा है, यानी कि 25% प्रॉफिट उसको तब भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए हाउस इज सोल्ड फॉर 23,000 एट 15% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट। तो इसमें क्या, देखो प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 ना, परसेंटेज यानी कि 15 जो होगा, सेलिंग प्राइस है 23,000 माइनस x डिवाइडेड बाय x इनटू 100, ठीक है, तो ये 15 डिवाइडेड बाय 23,000 बाय x, तो ये 15/100 माइनस 1, तो 23,000 डिवाइडेड बाय x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.15, ठीक है, तो x जो आ जाएगा 23,000 डिवाइडेड बाय 1.15, तो ये कट के आ गया 100, और ये 23 से कट जाएगा, 23 इंटू 5 है ना, 12, यस 1020, तो 20,000 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, डायरेक्ट हम देखें कि कॉस्ट प्राइस मान लो x था, तो उसको जो बेचना है कॉस्ट प्राइस के 15% ज्यादा बेचना है, यानी कि x प्लस x इंटू 15% वो होना चाहिए सेलिंग प्राइस ऐसे, ठीक है। लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, तो यहां से डायरेक्ट वही चीज बन गई कि 115 डिवाइड बाय 100 x इज इक्वल टू 23,000, ठीक है, तो वहां से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए ताकि इतना सब करने का झंझट बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 516 इन 6 इयर्स एट ए 12% रेट पर एनम, ठीक है। जो 561 है कि हमारा कोई मनी, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पी जो है वो इतना बन जाए, यानी कि जो 516 जो है ये क्या है, ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, कितना बन जाए, ऐसा नहीं बोलो सुन कि इंटरेस्ट हो जाए। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट किसके कुल होता है, वो था प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिला के 512 है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 516 माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ पे P इंटू आर कितना है, 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, तो 516 माइनस P इज इक्वल टू 1272, तो 0.72 P, और 516 किसके इक्वल आ जाएगा, 1.72 P, तो P आ जाएगा 516 डिवाइडेड बाय 1.72, तो इंटू 100, और ये कट जाएगा 17 51 3, ठीक है। तो 300 प्रिंसिपल अमाउंट को अगर हम 6 साल के लिए 12% देंगे, तो उस पे इंटरेस्ट आएगा 216, तो 300 प्लस 16 क्या बन जाएगा, 516,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द थ्री नंबर्स, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 10, फाइंड द नंबर। देखो इसको अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से करें तो भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन देखो, ठीक है, तीन नंबर का एवरेज 10 है तो सबका सम 30 आना चाहिए, तो देखो ना ए में 30 आ रहा है और ना बी में आ रहा है, बी में 30 आ रहा है, सी में 30 नहीं आ रहा और ना डी में 30 आ रहा है, तो बस ऑप्शन बी आ जाएगा। तो दूसरी क्वेश्चन में सेटिस्फाई करके देख लो कि जो सेकंड नंबर है थ्राइस है क्या थर्ड का, नौ तीन का तीन गुना है, हाँ सही है। फर्स्ट नंबर है जो ट्वाइस है सेकंड का, 18 जो है डबल है नौ का, ये भी सही है, ठीक है। तो अगर करना भी है अगर तो उसको कैसे कर सकते हैं, पहले थर्ड नंबर को मान लो एक्स, सेकंड क्या है उसका तीन गुना है, यानी कि सेकंड नंबर होगा 3x, फर्स्ट नंबर सेकंड का दो गुना है, मतलब इस 3x का दो गुना यानी कि 6x, तो सबका जो होगा एवरेज जो होगा वो है 10, यानी कि 10x जो है 10, तो x आ जाएगा 3, तो यहां पुट कर दो ये 3 आ जाएगा, 3 आ गया, 3 3 9, 6 3 18, ठीक है। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, अगर हम ऑप्शन देख के कर लें कई बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड ओवर इज रिटन एज डॉलर साइन हैश परसेंटेज स्टार विस्ट इज रिटन एज दिस, देन हाउ सोर विल बी रिटन एज, ठीक है। तो इसमें देख लो, सबसे पहले चेक कर लिया करो कि लेटर के लिए सेम कोड है क्या, दोनों में क्या देखो वी कॉमन है, तो यहाँ पे वी देखो हैश, हैश कॉमन है दोनों में, मतलब वी का हैश है, तो मान सकते हैं कि हर एक लेटर का जो कोरस्पोंड होगा साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एस का चाहिए, देखो एस का यहाँ पे थर्ड एस का है मल्टीप्लाई, तो ए बी सी, सी कट गया, सेकंड ओ का क्या है स्टार डॉलर साइन, यानी कि ये देखो डी आ जाएगा, बाकी भी चेक कर लो आर, आर का है यहाँ पे स्टार, हाँ ठीक है आर का स्टार है, और क्या है ई, ई का क्या है परसेंटेज, ई का परसेंटेज, ठीक है। तो वेरीफाई कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम है तो। चूज द पेयर विच शो द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर गिवन बिलो, एम्पियर करंट, देखो करंट की यूनिट है एम्पियर, ओम रेजिस्टेंस, साउंड वेव, स्पीड टाइम, डिस्टेंस ग्राम, देखो सिर्फ ओनली ए का सेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ओम है, ठीक है, बाकी इस चीज का सेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक गुड हैबिट्स, लाइक गुड हैबिट्स इज कोडेड एज 126, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ हैबिट्स, ठीक है। इसका हमें बताना है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें देखना है कि पहली, या तो एक स्टेटमेंट से हमें क्वेश्चन आंसर मिल जाए, दोनों से मिल जाए, या उसका दोनों से ना मिले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है आई लव पिक्चर्स 785, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें और इसमें, ताकि मैं थोड़ा आइडिया लग सके कुछ कि किसका क्या कोड वर्ड है। सेकंड की बात करें थॉट बिकम हैबिट्स, अब देखो इसमें हैबिट्स को मना गया और यहाँ पे 126 586, तो 6 कॉमन है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हैबिट्स का जो कोड है वो 6 है, तो ये हमें ओनली सेकंड से पता चलता है, तो इसका मतलब ऑप्शन आएगा बी, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द मिसिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज, देखो ये जो ए बी सी वाले क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल, तो इसमें अगर आपको दिख रहा है कि सी डी ई छोड़ के एफ, तो ये भी सही है, कई बार क्या होता है दिमाग में नहीं आता, तो उस केस में क्या करो लिख लो ए बी सी, तो हमें दिख जाता है चीजें, थोड़ा इजी हो जाता है। अगर ए बी सी के सवाल कुछ ज्यादा हो तो फिर एक बार जो लिख लिया बार बार काम आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले देखो C D यहाँ पे बना है, C D नेक्स्ट है F, यानी कि C D के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, D F के बीच में एक है, F के बाद क्या है I, यानी कि दो का डिफरेंस आ गया, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए I के बाद तीन का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि ये J K L, तीन बीच में लेटर होना चाहिए M, यानी कि सेकंड लेटर जो आएगा वो M आएगा, ठीक है। देखो इसी में C बन रहा है डायरेक्ट, एक से हो गया, तो दूसरा भी वेरीफाई कर लो अगर करना चाहते हो तो, U R के बीच में दो का डिफरेंस है, डिफरेंस तीन का है, बीच में दो लेटर आ रहे हैं,
आर के बाद है ओ, आर के बाद है ओ, फिर दो लेटर आ रहे हैं बीच में, ओ के बाद है एल, बस दो दो लेटर आ रहे हैं बीच में, एल के बाद दो लेटर पीछे जाना है, दो लेटर पीछे गए तो आई, ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया। ये फिर कोड वर्ड का क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज 3A2B7C मींस ट्रुथ इज इटर्नल एंड सेकेंडली एनमिटी इज नॉट इटर्नल एंड ट्रुथ डजंट पेरिश। तो एनमिटी का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एनमिटी इसकी हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, एनमिटी इज नॉट इटर्नल, कॉमन देख लो क्या क्या चीजें हैं। देखो पहले दोनों में ट्रुथ और इज कॉमन है, सॉरी पहले दोनों में इज और इंटरनल कॉमन है ना, इज एंड इंटरनल, इटरनल तो देखो, और दोनों में दो लेटर कॉमन कौन कौन से हैं, थ्री ए, थ्री ए और क्या कॉमन है, सेवन सी, ठीक है। इसका मतलब इज और इटरनल का जो भी है दोनों थ्री ए सेवन सी हो सकता है, इसका मतलब जो ट्रुथ का हो जाएगा, ट्रुथ का हमें फिक्स हो गया कि टू बी ही आएगा ट्रुथ का, ठीक है, ट्रुथ का टू बी फिक्स हो गया। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इज नॉट इंटरनल दोनों में देख लो नॉट का है, ठीक है नॉट। अब इज और उसका क्या 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 था, अच्छा सॉरी नॉट कॉमन है ना, अच्छा हाँ, इस केस में देखो ट्रुथ यहाँ पे है तो मतलब टू बी होगा ट्रुथ का, ठीक है, और नॉट देखो यहाँ पे जो नॉट है, नॉट और एनमिटी का हो सकता है नाइन ए या एट बी, नॉट यहाँ भी है नॉट यहाँ भी है, दोनों में कॉमन क्या है, नाइन ए, नाइन ए कॉमन है, ठीक है, तो इसका मतलब जो एनमिटी का क्या बचा, एट बी, ठीक है। देखो क्या होगा, हमने पहले क्या किया, हमने दो इन दोनों में क्या किया, इस और इटरनल का इन दोनों में देख लिया क्या क्या कॉमन है, तो थ्री ए सेवन सी कॉमन था, थ्री ए सेवन सी, ठीक है, तो एनमिटी का या तो नाइन ए हो सकता है या एट बी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बचे कौन थे, एनमिटी और नॉट, बट नॉट का हमने देखा इन दोनों के साथ कॉमन करके तो वो नाइन ए कॉमन आ गया, मतलब नाइन ए बी क्या है, नॉट क्या है, तो बचा कौन सा, एट बी, तो एट बी आएगा एनमिटी का, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अगर जिस हिसाब से पेपर है, ठीक है, कि दो घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चंस हैं, और हम देखें तो बीच में बहुत सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड के बहुत आसान है, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन को छेड़ना पहली बार में देखते तो वो काफी रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तभी किया जाए कि बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम खाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शंस है बहुत आसान आसान क्वेश्चन करने के, जैसे कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, अब सपोज करो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इसके बाद आता और वो छूट जाए, है ना, इस केस का ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या बोला है, एट कैप्टन्स ऑफ डिफरेंट वॉलीबॉल टीम्स, ईरान, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, ट्यूनिशिया, चाइना, ब्राजील, क्यूबा, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, आर फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। द रोमानियन कैप्टन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ट्यूनिशियन कैप्टन, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ईरान एंड ब्राजील, नाइदर द ईरान कैप्टन नॉर ब्राजील कैप्टन इज इमीडिएट नेबर ऑफ रोमानियन कैप्टन, कैप्टन ऑफ क्यूबा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ चाइना कैप्टन, द चाइना कैप्टन इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ रोमानियन कैप्टन, द ईरान कैप्टन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोमानियन कैप्टन, कैप्टन्स ऑफ सर्बिया जर्मनी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, सर्बिया कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चाइना कैप्टन, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन चाइना एंड रोमानियन कैप्टन्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करो, जैसे कभी ऐसे डिफरेंट नेम आए ना तो सबसे का इनिशियल लिख लो, अब हर जगह हम ईरान, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया ये तो नहीं लिखेंगे पूरा पूरा नाम, तो वो चेक कर लो कि सबके इनिशियल्स अलग अलग हैं क्या, देखो आई जी आर एस टी सी बी सी, देखो सी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, बाकी सबके इनिशियल लिखेंगे, इन दोनों के दो अक्षर लिख लेंगे सी एच सी यू, ठीक है, तो इससे काफी आसान हो जाएगा, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो एक सर्कल बना लिया मैंने सपोज करो, ठीक है, अब देखो
जैसे मैं 8 लोग बिठाने हैं, अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहली स्टेटमेंट बोलिए, रोमानियन कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ट्यूनिशियन कैप्टन, यानी कि मैंने क्या किया, ट्यूनिशियन कैप्टन को यहाँ बिठाया। अब सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका लेफ्ट हो गया ये वाला, राइट हो गया ये वाला, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे बना दिया, ठीक है, लिख दिया। अब जो रोमानियन कैप्टन है इसके थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा, मतलब एक बंदा यहाँ बैठा होगा, एक बंदा यहाँ बैठा होगा, और यहाँ पे रोमानियन कैप्टन बैठा, ठीक है, इसके थर्ड से लेफ्ट में। अब नेक्स्ट है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ईरान एंड ब्राजील, ठीक है, इसको हम नहीं बना सकते अभी, और नाइदर द ईरान कैप्टन ब्राजील कैप्टन इज इमीडिएट, एक मिनट, 8 लोग बनाए थे ना, 1 2 3 4, ठीक है, अब 8 लोग हो गए पूरे, तो नाइदर द ईरान कैप्टन नॉर ब्राजील कैप्टन इज इमीडिएट नेबर ऑफ रोमानिया, मतलब ना ईरान ब्राजील यहाँ नहीं बैठेंगे दोनों, ठीक है, और उनके बीच में 2 लोग होने चाहिए कम से कम, ठीक है, यहाँ नहीं बैठेगा। अब सपोज करो यहाँ बैठ रहा है ईरान का, 2 लोग हो गए, यहाँ तो बैठेगा नहीं दूसरा ब्राजील वाला, तो वो यहीं बैठेगा, ठीक है, अगर यहाँ बैठ रहा है तो दूसरे को यहाँ बैठना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 लोकेशंस हो जाएंगे, ये और ये हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है अभी। और कैप्टन ऑफ क्यूबा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ चाइना, चाइना कैप्टन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ रोमानियन कैप्टन, द ईरान कैप्टन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोमानियन कैप्टन। देखो अभी इसकी लोकेशन फिक्स थी, इसकी कर दी, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाला लाइन कि द ईरान कैप्टन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोमानियन, मतलब इसका लेफ्ट क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया इसका, थर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे ईरान वाला बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब दोबारा चलो, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ईरान एंड ब्राजील, तो ईरान और ब्राजील के बीच में 2 लोग हैं, मतलब 1 2, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, 1 2, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे आ जाएगा ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं, कैप्टन ऑफ क्यूबा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ चाइना कैप्टन, ठीक है, क्यूबा का कैप्टन जो है चाइना के सेकंड टू द राइट में बैठता है। अब देखो, चाइना का कैप्टन जो है रोमानियन का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब चाइना ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो चाइना या तो यहाँ पे आ सकता है, बट चाइना के, अगर मैं चाइना यहाँ पे करूंगा, तो जो क्यूबा का कैप्टन है वो सेकंड टू द राइट में बैठता है ना, तो राइट ये हो गया चाइना का, तो सेकंड के राइट पे तो रोमानिया बैठा है, तो इसका मतलब कौन सी बची लोकेशन चाइना के लिए, ये वाली, तो चाइना के सेकंड के लेफ्ट में, मतलब ये क्यूबा का कैप्टन ये आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है सर्बिया, और वो सर्बिया कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चाइना, तो चाइना का लेफ्ट होगा इस साइड ना, लेफ्ट साइड इस साइड है, तो थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि सर्बिया का यहाँ बैठ जाएगा, और बचेगा जर्मनी, ठीक है, ऐसे होगा। देखो इसमें काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, या तो फिर क्या हो कि कॉमन डेटा के साथ 5 क्वेश्चन हो, है ना, कि एक हमने ये टेबल बना लिया, इसके साथ लगातार 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, तब हम कर सकते हैं। अब सवाल पूछा इसने, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन चाइना एंड रोमानियन कैप्टन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली, चाइना बैठा यहाँ पे, रोमानिया बैठा यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने लोग बैठे हैं इसके बीच में, 1 2 3, ठीक है, कैसे भी देख लेते वैसे, बट क्लॉकवाइज पूछा, 3, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, There are 6 persons A, B, C, D, E, F in family. There are 2 married couples. ठीक है, D is grandmother of A, mother of B. दो तीन generation है इसमें, grandmother वाली, father mother और grandchildren. तो D जो है grandmother है A की, मतलब D third generation और A यहाँ पे आ जाएगा ना, grandmother. और mother of B, D जो है B की mother है. C is wife of B, मतलब B C जो है husband wife हो गए ना, and C is wife of B, mother of F, यानी कि ये दोनों बच्चे हो जाएंगे इनके, है ना, A और F, B C के, और इसके अलावा F is granddaughter of F, तो granddaughter of F मतलब E,
ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये हस्बैंड वाइफ हो गया, हस्बैंड ए वाइफ, ये इसका इनका बेटा ये हो गया, उसकी वाइफ ये होगी, दोनों के बच्चे ये हो गए, ठीक है। तो इसमें मैरिड कपल क्या है, एक तो डीई है, एक बीसी है, तो देखो ऑप्शन डी, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अगर हम इसको ऑप्शन से करें, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, सी इज वाइफ ऑफ बी, इसका मतलब बी और सी कपल है, तो ए गलत हो जाएगा, तो बी और ये हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते, कपल नहीं हो सकते, बी भी गलत हो जाएगा, सी डी, और सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ये लाइन से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। कंप्लीट द सीरीज, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 11 और 2 13 13 और 4 17 17 और 2 19 19 और 4 23 23 और 2 25 और 4 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित इज ओल्डर देन रूबेन एंड रमन, रोहन इज ओल्डर देन रोहन रूबन एंड यंगर देन राजीव, रमन इज ओल्डर देन राजीव, हु इज अमंग द ओल्डेस्ट। तो सबसे पहले क्या है, देखो अब देखो इसमें सबके नाम ही आर से स्टार्ट है, हमें सबको पूरा नाम लिखना पड़ेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि दो दो लेटर लिख दें, तो रोहित जो है उसकी एज ज्यादा है रूबेन रूबेन और रमन से ना, रूबेन रमन का अभी तक कोई रिलेशन नहीं है पहले लाइन से। सेकंड है, रोहन जो है ओल्डर है रूबेन से बट यंगर है राजीव से, इसका मतलब रोहन जो है वो रूबेन से बड़ा है बट राजीव से छोटा है। थर्ड है कि रमन इज ओल्डर देन राजीव, रमन जो है ओल्डर देन राजीव, तो सब में ओल्डेस्ट कौन है, देखो अगर इसके मैंने देखा जाए तो रमन सबसे ओल्डर हो गया, अब रमन से भी ओल्डर कौन सा है, रोहित, तो रोहित सबसे ओल्डेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ए इज सिचुएटेड एट 2 माइल अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम बी, सी इज सिचुएटेड 2 माइल्स अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, डी इज सिचुएटेड 2 माइल्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम सी, इज लोकेटेड 2 माइल्स अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑन डी, इन विच डायरेक्शन इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सबसे पहले कौन है, ए, ए सपोज करो यहाँ पे है, ए सॉरी ए इज सिचुएटेड 2 माइल्स अवे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सिटी बी, सॉरी बी को हम पहले लेंगे, बी, अब बी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट ऐसे हो जाएगा, तो वहां पे 2 माइल्स है ए, उसके बाद क्या है, सी इज सिचुएटेड 2 माइल्स अवे फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, अब ए यहाँ पे, ए का साउथ वेस्ट हो गया ये, ए से साउथ वेस्ट, तो वहां पे है सी, ठीक है 2 माइल्स, उसके बाद डी जो है वो सी के नॉर्थ वेस्ट यानी कि ऐसे 2 माइल्स, ये होगा सी, ये 2, यहाँ पे होगा डी, इसके बाद क्या बोला इन्होंने, ई जो है वो साउथ वेस्ट में यानी कि ऐसे, डिस्टेंस है 2, तो अब जो है ई किस डायरेक्शन में, बी के रिस्पेक्ट टू, तो बी से किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, ठीक है। देखो सबका 2-2 है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में आ गया, सबका डिस्टेंस अलग अलग होता तो कुछ हो रहा था, ठीक है। अब इसमें वो ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें कंक्लूजन बताना है कि इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी है और कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट है, ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, कंक्लूजन दिया, नॉवेल्स आर द ओनली रीडिंग मटेरियल्स, ठीक है, ये चीज हमें नहीं पता चलती है उससे, ठीक है, बाकी मटेरियल भी हो सकते हैं, नो गर्ल लव्स टू रीड अदर मटेरियल, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि नॉवल पढ़ना पसंद है तो बाकी चीजें पसंद नहीं है, तो दोनों ही गलत है, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड फ्लूडिटी कॉमेडियन, ठीक है, लिक्विड में क्या होती है, प्रॉपर्टी है फ्लूडिटी, कॉमेडियन में क्या होना चाहिए, ह्यूमर, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, इसमें भी वही करो, एबीसी हमने जो लिखी हुई है उसको देखते हैं,
ठीक है। अब देखो इसमें इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ओड वन आउट फाइंड करना ना, तो डी जी जे देखो दोनों में दो दो लेटर का बीच में आ रहे हैं ना ऐसे, और एच के एन, एच दो लेटर है, के दो लेटर है एन, ठीक है एच के एन, टी क्यू एन, टी क्यू एन, ये देखो ये गड़बड़ है, एन क्यू टी देखो दो दो लेटर आगे बीच में, तो ऑप्शन सी, ठीक है लिख लोगे तो दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फाइव फ्रेंड्स हु इज द टॉलेस्ट, ठीक है हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो सफिशिएंट दोनों या कोई भी सफिशिएंट नहीं है। इन्होंने लिखा है कि कौन सा पांच ए बी सी डी ई एफ ई में टॉलर है। फर्स्ट है डी इज टॉलर देन ए एंड सी, जो डी है वो बड़ा है ए और सी से, बी इज शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी, बी जो है वो ई से छोटा है बट डी से बड़ा है, ठीक है। अब देखो अगर पहली स्टेटमेंट देखा जाए, पहली स्टेटमेंट में सिर्फ ये पता चलता है कि डी ए और सी से बड़ा है, हमें बी और ई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ओनली हम सेकंड देखें तो हमें पता है कि ई बी और डी से बड़ा है बट ए और सी का नहीं पता। बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें इस हिसाब से तो हमें पता चल जाएगा कि ई सब में बड़ा है, टॉलेस्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू टूगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अब भाई स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन बताना है। स्टेटमेंट है टुडे इज मंडे, ठीक है ये कंफर्म है, कंक्लूजन टुमारो इज ट्यूसडे, सही है आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, एंड सेकंड है टुडे इज हॉलीडे, आज मंडे है आज छुट्टी आज, ये हमें कैसे पता चलेगा है ना, आज कौन सा त्योहार है क्या है, ठीक है तो ओनली वन फॉलो, ठीक है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन थे बीडीएल के, वो कर दिए, तो क्वेश्चन देख के लगा होगा कि बहुत ही नॉर्मल लेवल था, ठीक है तभी इसका बहुत हाई कट ऑफ गया, ऑलमोस्ट आई थिंक 125 कट ऑफ गया 150 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते इस पेपर में, ठीक है आसान क्वेश्चन आएगा वो तो अटेम्प्ट करना ही करना, उससे ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ गलती हुई हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।